नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ नहीं बदलता, सिर्फ उसका स्वरूप या अवस्था बदलती हो, यानी कि उसके भौतिक गुणधर्म बदलते हों, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी को काटना, कोई बड़ी लकड़ी है तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटें तो मूल पदार्थ लकड़ी ही रहेगा, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया। कागज, ऐसे ही कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना। अन्य उदाहरण देखें तो बर्फ का पानी में और फिर पानी का वाष्प में बदलना। तो यहाँ किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। बर्फ ये पानी का ठोस स्वरूप है और पानी यह द्रव स्वरूप है, वाष्प यह पानी का गैसीय स्वरूप है। इन तीनों स्वरूपों में मूल पदार्थ पानी या H2O ही है, वह पदार्थ नहीं बदलता, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। यदि वाष्प को हम पुनः ठंडा करें तो वो फिर से पानी में, और फिर पानी को ठंडा करें तो वह पुनः बर्फ में बदल जाती है। दोस्तों, अब हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ में से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे दूध में से दही बनना, तो दूध एक अलग पदार्थ है और उसमें से एक अलग पदार्थ या नए पदार्थ दही का निर्माण हुआ। जैसे लोहे की कील में जंग लगना, ऐसे ही भोजन का पाचन, मैग्नीशियम की रिबिन का वायु में दहन होना। तो यहाँ मैग्नीशियम की रिबिन को जब हम वायु में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह दोनों मूल पदार्थ थे और इन दोनों में से मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म ना ही मैग्नीशियम से मिलेंगे और ना ही ऑक्सीजन से, अर्थात बनने वाले नए पदार्थ के गुणधर्म मूल पदार्थों से अलग हो जाते हैं, यानी उनके उसके नए पदार्थ के गुणधर्म भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दोस्तों, अब बात करें हम रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा हम इस तरह से कर सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थों में से नए पदार्थ का निर्माण होता हो, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले नए पदार्थ के गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से नहीं मिलते। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों एक दूसरे से प्रक्रिया करके पानी का निर्माण करती हैं। यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु और एक्स ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के पानी के दो अणु बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के गुणधर्म देखें तो हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील। ऑक्सीजन कैसी गैस है? जलने में सहायक। जबकि पानी ये ना ही
जलने में सहायक है और ना ही ज्वलनशील है। तो इस प्रकार नए पदार्थ के गुणधर्म मूल पदार्थों के गुणधर्मों से नहीं मिलते। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की लाक्षणिकताओं के बारे में जानें। रासायनिक प्रक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं? तो एक है अवस्था में परिवर्तन होना, दूसरा रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। आइए इसे हम समझते हैं। अवस्था में परिवर्तन, तो पानी का विद्युत अपघटन करने पर एक जगह हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और दूसरी जगह ऑक्सीजन गैस। यहाँ पानी यानी कि H2O यह द्रव अवस्था में है और विद्युत अपघटन होने से हाइड्रोजन जो प्राप्त होती है वो गैस अवस्था में है और ऑक्सीजन वो भी गैस अवस्था में। अर्थात यहाँ जो रासायनिक प्रक्रिया हुई उसमें हमें अवस्था का परिवर्तन देखने मिलता है। अब देखें रंग में परिवर्तन। तो दोस्तों आपने देखा होगा बरसात के दिनों में लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है। वैसे लोहे की कील में जंग लगने पर उसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये भी रासायनिक प्रक्रिया का एक लक्षण है जिसमें लोहे की कील पर आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है जिसका रंग लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। अब देखें गैस का उत्सर्जन। तो मंद सल्फ्यूरिक एसिड और दानेदार जिंक के बीच प्रक्रिया होने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये है मंद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस जिंक धातु, दोनों के बीच प्रक्रिया होगी और बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अब हम देखें तापमान में परिवर्तन। तो दोस्तों जब हम दिवाली पर घर में सफेदी करते हैं तो किसी मटके में यदि पानी में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो चूना होता है कली चूना उसको भिगाया जाए तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में मटका और अंदर का पानी जो विलयन है वो गर्म हो जाता है। यहाँ एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया होने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2O इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उत्पन्न होती है ऊष्मा। इस ऊष्मा के कारण यह बीकर हमें गर्म सा महसूस होगा। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करें रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझें कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम रिबिन को हम हवा की उपस्थिति में दहन कराते हैं, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया का वर्णन या जो विवरण है वह वाक्य के रूप में काफी लंबा हो जाता है। तो क्या कोई संक्षिप्त विधि है जिससे हम इस अभिक्रिया को दर्शा सकें? तो इसे दर्शाने के लिए हम इस तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
और इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से दर्शा सकते हैं, यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं, इसे हम कहेंगे अभिकारक। और नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम कहेंगे उत्पाद। दोस्तों, इस प्रकार का समीकरण, इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कोई दूसरी और भी विधि है जिससे हम इस अभिक्रिया को और भी संक्षेप में दर्शा सकें? तो मैग्नीशियम की जगह पर हम उसका प्रतीक लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन गैस उसका प्रतीक लिखेंगे O2, और इन दोनों के बीच अभिक्रिया कर होकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका प्रतीक है MgO। समीकरण बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 लगाएंगे, यहाँ आगे 2 लगाएंगे। इस प्रकार हम इस अभिक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 2Mg plus O2 gives 2MgO। इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, रासायनिक समीकरण यह रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की एक संक्षिप्त विधि है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीक के स्वरूप में दर्शाया जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करें रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो दो प्रकार के रासायनिक समीकरण होंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर के यानी कि अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के दाईं ओर के यानी कि उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के समान न हो, ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, ऐसे समीकरण को हम कंकाली या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ एक समीकरण दिया है, Mg plus O2 gives MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड यह उत्पाद है। अब तीर के बाईं ओर हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखें, तो मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 2, तीर के दाईं ओर यहाँ कुछ नहीं तो 1, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 1। तो तीर के बाईं ओर मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, दाईं ओर भी मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, परंतु तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि तीर के दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अर्थात ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं है, इसलिए इस प्रकार के समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर के यानी कि अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के दाईं ओर के यानी कि उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के समान हो, ऐसे
समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक समीकरण दिया है, 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। ये भी ऊपर की ही अभिक्रिया का समीकरण है, जिसमें मैग्नीशियम के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, ये दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो अणु बनाते हैं। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड यह उत्पाद है। अब हम तीर के बाईं ओर अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखें। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एक गिनेंगे, आगे दो, तो 1 × 2 यानी दो। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या हुई दो, और ऑक्सीजन में यहाँ आगे कुछ नहीं तो एक गिनेंगे, 1 × 2 यानी हुआ दो। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हुई दो। अब तीर के दाईं ओर उत्पाद में यहाँ कुछ नहीं है तो एक गिनेंगे, 1 × 2 यानी हुआ दो। तो मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या हुई दो, यहाँ कुछ नहीं तो एक गिनेंगे, 1 × 2 यानी दो। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हुई दो। यहाँ इस समीकरण में तीर के बाईं ओर मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, तीर के दाईं ओर भी मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, अर्थात मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या समान है। तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दो है और तीर के दाईं ओर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दो है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी दोनों ओर समान है। तो इस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए, या कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही नए परमाणुओं का सृजन होता है और ना ही उसमें विद्यमान परमाणुओं का नाश होता है। अर्थात जितने परमाणु रासायनिक अभिक्रिया से पहले होंगे उतने ही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के बाद होते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ठोस सॉलिड के लिए S, द्रव अवस्था यानी लिक्विड को L से, गैस अवस्था को G से, जल यानी एक्वस अवस्था को AQ से दर्शाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने से CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और पानी निर्मित होता है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह जलीय अवस्था में है, तो इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, AQ से दर्शाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस अवस्था में है, यहाँ इसके लिए G दर्शाया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट ये ठोस अवस्था में है, उसके लिए S, और पानी यह द्रव अवस्था में है, उसके लिए L दर्शाया गया है।